आपका नाम? मोहम्मद राशिद। फादर का नाम? मोहम्मद वैसर। आप सऊदी अरेबिया जा रहे हो वेयर हाउस कंपनी में एज अ वेयर हाउस लेबर, ठीक है? जिसमें कि आपको वेयर हाउस में जितना भी काम होगा सारा काम आपको करना है, जैसे क्लीनिंग का काम हो गया, पैकिंग का काम हो गया, सामान लोडिंग अनलोडिंग हो गया, ठीक है? इसमें आपकी सैलरी आपके नंबर ऑफ़ आवर्स के हिसाब से डिपेंड होगी, मतलब जितना घंटा आप काम करोगे उसके हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होगी। जैसे कि आप 8 घंटा काम करते हो तो 800 बेसिक, 200 खाने का। 10 घंटा काम करते हो तो 1000 बेसिक, 200 खाने का। 12 घंटा काम करते हो तो 1200 बेसिक, 200 खाने का। तो जितना घंटा आप काम करोगे उसके हिसाब से आपकी सैलरी होगी, ठीक है? इसमें आपको हफ्ते के 6 दिन काम करना है, हफ्ते के 6 दिन काम करना है, और एक दिन एक्स्ट्रा होगा जो वीकली ऑफ है, ठीक है? वीकली ऑफ में भी अगर आप काम करते हो, जो कि फ्राइडे, अगर आप फ्राइडे को भी काम करते हो तो 55 रियाल आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा इस काम के लिए, ठीक है? यहाँ से जाने के बाद आपका इकामा बनेगा, इंश्योरेंस होगा, अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से होगा और मेडिकल होगा, ठीक है? ये सारे प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 दिन लगता है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा आप ड्यूटी ज्वाइन करोगे, आपकी सैलरी चालू हो जाएगी। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद ही सैलरी चालू होगी, उससे पहले सैलरी का एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है? ये आप 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के वापस आते हो किसी भी रीज़न से तो इसका पेनल्टी सब आपको भरना है, जैसे फ्लाइट का टिकट, वीज़ा कैंसिलेशन चार्जेस और जो भी कंपनी का पेनल्टी को सब आपको पे करना है, ठीक है? आप अपनी मर्ज़ी से आते हो तो भी आपको पे करना है, इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है? तो इस टर्म्स एंड कंडीशन में जाने के लिए रेडी हो? आप अपनी मर्ज़ी से आ रहे हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है,